नाश्ता मिल जाएगा? मुझसे क्यों मांग रहे हो नाश्ता? आलिया बीवी हो तुम मेरी, तुमसे नहीं मांगूंगा तो और किससे मांगूंगा? तो जलील करने से पहले ये सोच लिया करो कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। आलिया मैंने तुम्हें जलील नहीं किया, जलील तुमने मुझे किया है फातिमा के लिए जासूसी करके। राहिल मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। तो मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का। ठीक है मत करो। राहिल आलिया आ जाओ नाश्ता कर लो। मुझे नहीं करना है नाश्ता। अम्मी आप किसी की नौकर हैं जो इस तरह आप ट्रे लेकर आई हैं नाश्ते की? मैंने तो नहीं बोला था अम्मी को कि मेरे लिए नाश्ता लेकर आए। तमीज से बात करो आलिया, माँ है वो मेरी। नहीं तो क्या कर लोगे तुम? मेरे माँ बाप के घर के दरवाजे बंद करवा के ये मत सोचना कि सारे दरवाजे बंद हो गए। एक दरवाजा तो अभी भी खुला, तुम्हारी बहन के घर का दरवाजा है ना। खुदा के लिए चुप हो जाओ तुम दोनों, क्या हो गया है? इतनी जरा सी बात पे उलझ रहे हो। नहीं आपको तो मालूम भी नहीं है कि बात असल में है क्या? तो बोल दो, मैं किसी से नहीं डरती। राहिल आलिया राहिल तुम जाओ यहाँ से, मैंने कहा ना जाओ। आलिया बेटा तुम मेरी बात। हमें आप भी मुझे मत समझाएं, अपने बेटे को समझाएं। अम्मी मेरा दिल खराब हो रहा है, मुझे वॉमिट। मुझे नहीं मालूम पापा ने मेरे इर्द गिर्द से उनको बाहर ही घुमाना, मुझे कुछ दिखाई नहीं देते। बोलो। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारा गुबार खत्म हुआ कि नहीं? ये सवाल अगर मैं तुमसे पूछूं तो? मैंने कॉल इसलिए की है कि मैं जानना चाहती थी तुम घर पहुंचे हो कि नहीं, वीराने में से रास्ता मिला है कि नहीं, और तुम्हारा गुबार खत्म हुआ है कि नहीं। तुम्हें मेरी फिक्र कब से होने लगी? मैंने तुमसे कहा है ना मुझे ताई अम्मी की फिक्र है। क्यों होगी तुम्हारी फिक्र? वो बहुत परेशान रहती हैं तुम्हारे लिए। तुम्हें अम्मी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अब मैं उन्हें कभी परेशान नहीं होने दूंगा। वो चाहती हैं कि मैं शादी करूं, सोच रहा हूं उनकी बात मानूं ताकि उन्हें मेरी फिक्र ना करनी पड़े। अल्लाह ने बहुत बड़ी खुशी दी आलिया, बस अब तुम अपना मूड ठीक करो। हाँ तेरा मूड ठीक है अम्मी? आपने देखा राहिल ने हॉस्पिटल से घर तक सारे रास्ते मुझसे बात तक नहीं की, मुझे मुबारक भी नहीं दी। बाप तो वो भी बनने वाला है ना। अच्छा बस बस कर दो। तुम इस तरह करो कि तुम अपने अम्मी अबू को कॉल करके खुशखबरी दो। मुझे किसी को कॉल नहीं करनी, किसी से बात नहीं करनी मुझे। माँ बाप से कैसी नाराजगी बेटा। चलो खैर, मैं कॉल करके बता दूंगी। अच्छा, तुम्हें डॉक्टर ने जो मेडिसिन दी है ना, वो टाइम पे लेनी है। हाँ? शाबाश, मैं तुम्हारे लिए जूस बना के लाती। हेलो फातिमा आपी, मैं आपको बहुत याद कर रही हूँ। इस घर में मेरे साथ क्या हो रहा है आपको पता नहीं है। राहिल तो बिल्कुल बदल गया, कुछ भी ठीक नहीं है। जो आपके पास आना है, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाएं। मुझे यहाँ नहीं रहना आप। तुम्हें मेरी फिक्र कब से होने लगी? तुम्हें अम्मी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब मैं उन्हें कभी परेशान नहीं होने दूंगा। वो चाहती हैं कि मैं शादी करूं। सोच रहा हूं उनकी बात मान लूं, ताकि उन्हें मेरी फिक्र ना करनी पड़े। कौन? आप यहाँ? अपने बेटों को बुलाएं। आप आए तो? मैंने कहा ना, अपने बेटों को बुलाएं। प्लीज आप अंदर। आपने जैसे कहा था वलीद, मैंने वैसे ही किया। मैंने सायरा से माफी मांगी और उसने मुझे माफ भी कर दिया। बंद करें अपनी मक्कारी की दास्तान, बंद करें। वलीद, मैं मर जाता लेकिन आपकी चौखट पे कदम ना रखता। बुलाएं अपने बेटों को, जिन्हें बड़ा शौक है दूसरों के घरों में घुसकर शरीफ साथियों को धमकाने का। नहीं, मेरे बेटे इतने घटिया नहीं हो सकते। उनकी तरबियत आपने की है, लेकिन यह असर मेरी तरबियत का नहीं, उनकी रगों में दौड़ने वाले खून का है। ऐसा बोलूं, वो दोनों घर पर हैं। अपने खून को गाली वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। डरा रही है मुझे, ऐसे खूनों से निपटना आता है मुझे। राहिल और दानियाल आपके घर पे आकर बदतमीजी करेंगे तो मैं खुद उनको शूट कर दूंगी। आप शूट करेंगे? आप नहीं तो उन्हें ये मक्कारी और शतराना चाल चलना सिखाया है मैंने। हाँ, आपने मेरे सामने मजलूम बनकर सायरा से माफी मांगने का वादा किया और वहां जाकर उस दो कोड़ी के मुंडे उस सलीम से सायरा पे तशद्दुद करवाया। नहीं वलीद, ये झूठ है। और फिर दानियाल को भी भिजवाया और राहील को मेरे और मेरी बेटी के खिलाफ उकसाया। वाह, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं तो रोता हूं उस दिन को, उस पल को, जब मैंने आपको और आपके बच्चों को सड़क से उठाया, अपना नाम दी। क्या थी आपकी जिंदगी, क्या थी आप? बेवकी की सफेद चादर पे लिपटी एक जिंदा लाश। सुहाग का सुर्ख जोड़ा मैंने पहनाया, नाम मैंने दिया, मुकाम मैंने दिया। वरना औकात क्या थी आपकी। लोगों के सदके और खैरात में अपने बच्चों को पालने वाली। वलीद, अगर मैं गुनहगार तो मेरा गला दबा दो, मगर यो लफ्जों के तीर ना चलाए खुदा के लिए। एहसान फरामोश है आप और आपके बेटे। आज के बाद कभी मुझे अपनी सूरत मत दिखाइएगा और अपने बेटों को भी बता दीजिए कि अगर आइंदा उनमें से किसी ने मेरे घर पे कदम रखा तो मैं जान से मार दूंगा। समझी? समझ गई। मगर वलीद, आपसे भी मेरा वादा है, मैं अगर मर भी गई ना तो आप मेरी सूरत नहीं देखेंगे, ना ही आपके होंठों पे मेरा नाम आएगा। आप जो फैसला करना है कर लीजिए, मैं बाप की मिन्नतें नहीं करूंगी, ना ही कोई फरियाद करूंगी। मैं उसी सड़क पर जिंदगी गुजार सकती जहां मैं पहली बार आपको मिली थी, लेकिन दोबारा आपके घर और आपकी जिंदगी में नहीं आऊं। मर के भी यही चाहता हूं, मैं यही चाहता हूं। आप यहां? हाँ, मैं यहां तुम्हारे सामने। दिखाओ अपनी बदमाशी, तो जो धमकी देनी है खड़ा हूं तुम्हारे सामने मैं। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं भला आपको धमकी क्यों दूंगा? अपने भाई को भी समझा दो और खुद भी कान खोल कर सुन लो। आज के बाद अगर मेरे घर पे कदम भी रखा तो मैं नहीं चाहता कि इस उम्र में तुम्हारी माँ तुम्हारी मैयत पर आंसू बहाए। अगर मेरी मौत आपके हाथों लिखी है तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। और आपको क्या लगता है अगर मेरी मौत इस तरह हुई तो मेरी माँ मेरी मैयत पे आंसू बहाएगी? वो तो आपसे शिकवा भी नहीं करेंगी और ना ही उनकी आंखों में कोई आंसू होंगे। इतनी वफादार हैं वो आपकी। आजमाना चाहते तो मैं आपके सामने खड़ा हूं, ले ले मेरी जान। अम्मी, 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 आप रो क्यों रही हैं? अम्मी, 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 क्या हुआ आपको? अम्मी, आप रो क्यों रही हैं? प्लीज, क्या हुआ अम्मी? दानियाल भाई, हुआ क्या है? अम्मी, पानी पिए प्लीज। अम्मी, पानी पिए प्लीज। अब्बू आए थे। वलीद अंकल, कहीं उन्होंने अम्मी को तलाक? बकवास बंद करो अपनी, जाओ यहाँ से। जब देखो उल्टी सीधी बात है। तुम भी अपनी जबान को लगाम दो, संभालो अपनी माँ को। यार तुम दोनों को क्या हो गया? इधर अम्मी की हालत देखो और तुम लोग लड़ रहे हो। अम्मी प्लीज, अम्मी प्लीज, अब अम्मी पानी तो पिए ना। आखिर चाहते क्या हो तुम दोनों? हम दोनों? हमने क्या किया? यही चाहते हो कि तुम्हारी माँ इस उम्र में अपने माथे पे तलाक की सियाही लगा ले। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? हम ऐसा क्यों चाहेंगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो क्यों गए थे? क्यों गए थे मेरे घर? क्यों वलीद को धमकी दी? धमकी? हमने? मीन ऐसा कुछ नहीं किया हमने। बहुत बुरा किया। तुम दोनों ने बहुत बुरा किया। वलीद बाप है तुम्हारे, उसके साथ गुस्ताखी करके मुझे बहुत दुख दिया है, बहुत दुख दिया। अम्मी हम आपको दुख कैसे दे सकते हैं? हम ऐसा सोच भी नहीं सकते आप। भाई समझाए ना अम्मी को। नहीं राहिल ठीक कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज आप मत रोएं। प्लीज चुप कर जाएं। अपने शक को हकीकत में बदलने के लिए मुझे सबूत चाहिए। मैं सबूत मांग रहा हूं, जितनी भी जल्दी हो सके। अब मैं मजीद मोहलत नहीं दे सकता। किसी नागहानी आफत के आने से पहले मुझे इस किस्से को तमाम करना है। क्या बात है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे देख के हमेशा तुम अपना फोन ड्रॉप कर देते हो? तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सौतन ने लेकर आ रहा तुम्हारे लिए। इंतजामात चेक कर लिए, सब ठीक है? हाँ। शहजाद और उसकी माँ की औकात से तो थोड़े ज्यादा ही। दामाद और बेटी के ससुराल की औकात नहीं देखी जाती। खैर, सोलेहा के जाने के बाद हम हानिया की शादी की तैयारियां शुरू कर देंगे। इतना शौक क्यों हो रहा है मेरे बच्चों की मां बनने का? शायद इसलिए क्योंकि उन्हें मां की जरूरत है। तंज करने से बात ना। तुम्हारा वकील कब आ रहा है मेरी मलकियत की फाइल लेके? कायम हूं मैं अपने वादे पर। एक काम के सिलसिले में जा रहा हूं बाहर, मेहमानों के आने से पहले वापस आ जाऊंगा। इसकी जरूरत नहीं, खालिस औरतों का इवेंट है। खैर ठीक है, मैं फिर भी वापस आ जाऊंगा। तबीयत इतनी खराब थी आपकी, फिर भी आप घर से चले गए। कम ड्राइवर ही साथ ले जाते। मैं ठीक हूँ। गए कहाँ थे आप? आज के बाद कोई तुम्हें धमकी देने नहीं आएगा इस घर में, ना राहील, ना दानियाल और ना ही हुमेरा। क्या आप हुमेरा आंटी के घर गए थे? तो किस्सा तमाम कर दिया आपने? क्या मतलब? मेरा मतलब आपने हुमैरा आंटी के साथ वही सलूक किया ना जो उनके बेटे ने उस दिन मेरे साथ किया था ना। दानियाल के सामने खड़ा होकर आपने हुमैरा आंटी को कहा ना कि हुमैरा हुमैरा मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तलाक देता हूँ हुमैरा, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। बस करो फातिमा, बस करो। क्या हालत हुई होगी उस वक्त दानियाल की, रो रहा होगा, चीख रहा होगा, गिड़गिड़ा रहा होगा आपके सामने कि नहीं अबू नहीं, प्लीज प्लीज अबू मेरी माँ को तलाक मत दे, हम तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, कैसे जिंदा रहेगी मेरी माँ। बस करो, हुमैरा ने ऐसा कुछ नहीं किया जो मैं उनके सामने ये फालतू लफ्ज दोहरा हूं। वाह, ये लफ्ज अब आपको फजूल लग रहे हैं। तब क्या हुआ था अबू, तब क्या हुआ था जब यही घटिया लफ्ज दानियाल ने मेरे लिए इस्तेमाल किए थे? तुम्हारा रवैया उस वक्त दानियाल के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था, लेकिन उसका रवैया वो मुझसे बिल्कुल वैसे मिला जैसे एक बेटे को अपने नाराज बाप से मिलना चाहिए। क्या अब आपको दानियाल अपना बेटा लगने लगा है? रवैये की बात कर रहा हूं, बहस मत करो। आप इस तरह कहीं नहीं जाएंगे, मेरी बात सुनेंगे आप। वहां करने क्या गए थे आप? एक शफीक बाप होकर वफादार और मोहब्बत करने वाले हस्बैंड की गवाही देने गए थे? बेटा खुदा के लिए मुझे मजीद परेशान मत करो, मैं बार बार डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता और ना ही मेरा दिल मजीद मेरा साथ देगा। बस कर दो खुदा के लिए। वहां गए थे तो अम्मी की एक शर्त तो पूरी कराते, क्यों नहीं किया आपने फिर से हुमैरा आंटी का फैसला? आपको क्या चीज रोक रही है अब्बू? साहिरा ने मुझे इस शर्त से आजाद कर दिया और मैं तुम्हें और साहिरा को इस बात का यकीन दिलाता हूं कि आज के बाद हुमैरा, दानियाल या राहिल कोई भी इस घर में कदम नहीं रखेगा और ना ही कभी हमारी जिंदगी में कोई मुदाखलत करेगा। साफ साफ क्यों नहीं कह देते आप, क्यों नहीं कह देते आप कि आप हुमैरा आंटी को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं? आपको ना मेरी बेइज्जती का ख्याल है और ना अम्मी की ज़िल्लत का। हुमैरा आंटी ना जाने सलीम साहब के सामने उन्हें क्या कुछ कहकर आ गई है और आप। मेरा दिल नहीं मानता कि हुमैरा ने इतना सब कुछ कहा होगा जितना सायरा बता रही। क्या आपको अभी हुमैरा आंटी पर इतना यकीन है? क्या कहना चाह रहे हैं आप अम्मी, झूठ बोलती रही हैं? जवाब देना अब्बू, बोलते क्यों नहीं है? आपको अब भी हुमैरा आंटी पर इतना भरोसा है? आपको हुमैरा आंटी को छोड़ना होगा अब्बू, वरना मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। आप क्या कह रहे हैं? मैं भला आपको धमकी क्यों दूंगा? अगर मेरी मौत आपके हाथों लिखी है तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। और आपको क्या लगता है अगर मेरी मौत इस तरह हुई तो मेरी माँ मेरी मैयत पे आंसू बहाई? वो तो आपसे शिकवा भी नहीं करेंगे और ना ही उनकी आंखों में कोई आंसू होंगे। इतनी वफादार है वो आपकी। आजमाना चाहते हैं तो मैं आपके सामने खड़ा हूं, ले ले मेरी जान। या अल्लाह, मेरी मदद कर। क्या कर रही हो तुम? तुमसे मतलब? तुम कौन होते हो मुझे पूछने वाले? आलिया, मेरी जिंदगी में परेशानियां पहले कम है जो तुम और बढ़ा रही हो। अगर तुम्हारी अम्मी को तलाक हो गई है तो उसका गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रहे हो? आलिया, अपनी जुबान को लगाम दो। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब्बू आए जरूर थे लेकिन वो दानियाल भाई और मेरी शिकायत करने आए थे अम्मी से, बस। फिर से अब्बू हो गए वलीद अंकल से। अलिया प्लीज इनकी आवाज में बात करो, मम्मी सुन लेंगी। अभी अभी उन्हें होश आया, वो परेशान है। मेरी फिक्र है ही कब, तुम्हें तो सिर्फ अपनी माँ की फिक्र है। इतनी बड़ी खुशखबरी दी है मैंने तुम्हें, मेरे लाड उठाने के बजाय मुझसे इस लहजे में बात कर रहे हो। अब मुझे यही कहना चाहिए तुम। आलिया तुम बेवकूफ, तुम्हें अपने आप समझ है कि नहीं? तुमने अम्मी की हालत देखी, तुमने अब्बू के आने का सुनकर ये सोच भी कैसे लिया कि अब्बू अम्मी को। मुझसे इस लहजे में कभी किसी ने बात नहीं की जैसे तुम कर रहे हो। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं जा रही हूँ। बहुत घमंड है ना तुम्हें तुम्हारी दौलत का, जो तुम्हें वो विरासत में मिली है। तुम्हें क्या लगता है आलिया तो मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा? मैं तुम्हारे सामने ये हाथ पांव जोड़ूंगा कि प्लीज मत जाओ? गलत फहमी है आलिया तुम्हारी। तुम्हें अगर इस घर से जाना है तुम 100 दफा जाओ, मैं तुम्हें 1 दफा भी नहीं रोकूं। हाँ तुम्हें भी कसम है जो तुम मेरे पीछे आए। आप तो फट बैठो, ऐसे क्या देख रहे हो? मुझे वो दिन याद आ रहा जब अपने पुराने महल्ले में गली में हम दोनों की मुलाकात हुई थी और तुमने मेरा गिरेबान पकड़ा था गली का गुंडा समझकर। और आज तुमने मुझे यहाँ अपने घर बुलाया और बैठने का कह रहे हो। वक्त के रंग बदलते देखे हैं मैंने। ठीक कह रहे हो तुम। कल तुम मेरी जगह पर थे लेकिन आज मैं तुम्हारी जगह पर हूं। खैर क्या बात है, क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ? चलो बैठ जाओ। देखो सलीम, मैं तुमसे कोई लंबी चौड़ी तमीज नहीं बांधूंगा, इसलिए साफ साफ तुमसे कह रहा हूं कि तुम सायरा को तलाक दे दो। वाह वाह, मुझे यहां अपने घर बुलाकर यह मुतालबा कर रहे हो कि मैं खुद अपनी बीवी को तलाक दे दूं? भाई वाह कमाल। हाँ, इसलिए कि मुझे और सायरा को, हम दोनों को इस बात का एहसास हो गया है कि हमने जो किया वो गलत था, और हम ये भी जान गए हैं कि एक दूसरे से जुदा होकर हम कभी खुश नहीं रह सकते। खुश? मैं जानता हूं कि खुद सायरा भी यही चाहती है, लेकिन वलीद मुझे बहुत तरस आ रहा है तुम पर, बहुत रहम आता है। सिर्फ तुम ही पर नहीं बल्कि हुमेरा बेगम पर, सायरा की चारों बेटियों पर। और फिर मैं सोचता हूं कि क्यों ना मैं इन तमाम लोगों की जिम्मेदारी, इनके तमाम मसाइल, तमाम मुश्किलात अपने सर ले लूं और ये सवाब कमाऊं। मतलब क्या है तुम्हारा? मैं एक बहुत बुरा आदमी हूं, एक गुनहगार भी हूं, लेकिन अपनी आखिरत को संवारने के लिए मैंने एक अहद किया और वो ये कि मैं साहिरा को तलाक नहीं दूंगा। लेकिन वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, इसीलिए उसने तुमसे अलग होने का फैसला किया। छोड़ दो उसे, आजाद कर दो। ये नामुमकिन है। सायरा तुमसे भी पहले मेरी मोहब्बत है। ऐसी मोहब्बत का क्या फायदा जो एक तरफा। चलो मान लिया कि वो तुम्हारी मोहब्बत सही, लेकिन मां है मेरी बेटी की, और उस बेटी का कर्ज है मुझ पर जो मुझे हर हाल में चुकाना है। अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती करोगे तुम, हुमैरा बेगम जैसी बीवी को ठुकरा कर और साहिरा जैसी खुदगर्ज बीवी को अपना कर। सलीम, तुमने बेगैरत समझ लिया मुझे? यहां अपने घर में बुलाकर मुझसे कह रहे हो कि अपनी बीवी को तलाक दे दो। तुम वलीद, मेरे ज़र्फ का इम्तिहान मत लो। मेरी बर्दाश्त की भी एक हद है। मैं नहीं चाहता कि जिस इम्तिहान से मैं गुजर रहा हूं तुम भी गुजरो। मैं नहीं चाहता कि जो सजा मैं काट रहा हूं वो तुम्हारा मुकद्दर बन जाए। सारा को जाने का फैसला कर चुकी है। जाना चाहती है, जाए। जो करना चाहे करे। अरे तुम जो कुछ करना चाहो वो करो। तो जिस अदालत के भी दरवाजा खटखटाएगी मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं साहिरा को तलाक नहीं दूंगा। इतनी मोहब्बत करते हो उससे। हाँ, और इस मोहब्बत की जो भी वजह है वो बहुत जल्द तुम्हारे सामने आ जाएगी। मोहब्बत की कोई वजह नहीं होती। मोहब्बत तो बस मोहब्बत होती है। लेकिन मेरी मोहब्बत बिला वजह नहीं है। बहुत जल्द तुम्हें इसकी वजह समझ में आ जाएगी। बहुत जल्द। रानी, ओ रानी, देख तेरे कहने पे मैं पहली बार पार्लर जा रही हूँ तेरे साथ। वहां जाके मेरा तमाशा न बनवा दे। अम्मा, नहीं बनता तमाशा आपका। सालेहा की माँ को देखना, ऐसी बनी सवरी रहती है ना कि माँ तो न जाने किस मिट्टी की बनी हुई है। नानी बनने वाली है मगर देखो तो ऐसे लगता है जैसे कुंवारी दुशीजा। अम्मा, आपको क्या पता ऐसी ट्रीटमेंट्स आ गई आजकल की। नानियां क्या, दादियां क्या, हम लड़कियों से ज्यादा अच्छी लगती हैं। अच्छा चल, वो मेरी ऊंची हील वाली सैंडल रख ली है तूने? देख मेरा ना बाजू पकड़ के चलना है तूने, ये ना हो मैं धड़ाम करके गिरी हूँ भरी महफिल में। अम्मा, ऊंची हील वाली सैंडल अभी रहने दो, अभी देर हो रही है। चलो चल चल। हाँ वाकई देर तो बड़ी हो गई है। ये क्या किया तुमने? मुझे बता देते एटलीस्ट, मैं कुछ करता। अब क्या कर लेते भाई? आलिया कभी किसी को इज्जत देती है? राहिल, मैं कुछ भी करके उसे रोकने की कोशिश करता, उसकी मिन्नतें करता, उसके हाथ पांव जोड़ता। भैया, माँ बेटों की औकात सिर्फ यही रह गई है अब कि हम लोगों को मनाते रहें, उनके हाथ पांव जोड़ते रहें, उनके सामने भीख मांगते रहें। राहिल, तुमने अम्मी की हालत देखी है ना, जाने अबू उनको क्या कहकर गए। और अब जब उन्हें ये पता चलेगा कि आलिया भी घर छोड़कर चली गई है तो उन पे क्या गुजरेगी। बहुत कुछ बर्दाश्त किया अम्मी, इस पर भी सब्र कर लेंगे। कितना बर्दाश्त करेंगी वो, आखिर इंसान है। सब्र करते करते एक दिन पत्थर की हो जाएंगे, फिर जिसका दिल करे उन पर सितम कर ले।